एनसीआर को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। देश की जनता की लड़ाई को कांग्रेस अंजाम तक पहुंचाएगी। भाजपा एनसीआर को लेकर झूठ बोल रही है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से लेकर रविशंकर प्रसाद तक एनसीआर को लेकर अलग अलग बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस शरणार्थियों को नागरिकता देने का स्वागत करती है, लेकिन केंद्र सरकार धर्म के नाम पर देश की एकता एवं अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रही है। उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस देशवासी के पास कोई प्रमाण नहीं होगा वह कहां जाएगा, क्योंकि जिस गरीब का घर बाढ़ या दूसरी प्राकृतिक आपदा में बह जाता है वह कागज कहां से लाएगा। कांग्रेस पार्टी एनसीआर के बिल्कुल खिलाफ है। ये बात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने शिमला पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार जनता को गुमराह कर रही है। एनपीआर अटल की सरकार के समय आई थी, कांग्रेस पार्टी ने उसका भी स्वागत किया था, जो कि सेंसस का हिस्सा है। सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है। जो सरकार असम जैसे 3 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में ठीक ढंग से एनसीआर लागू नहीं करवा पाई, वह सरकार 133 करोड़ आबादी वाले देश की एनसीआर कैसे करवा पाएगी। एनसीआर में धर्म का जिक्र क्यों किया गया, इससे साफ है कि भाजपा अपना एजेंडा चलाकर देश को धर्म के आधार पर बांट रही है। सीएए है वो संविधान के प्रीएम्बल के, संविधान के अनुच्छेद 4, 5 और 14 के खिलाफ जाता है। कांग्रेस को सबसे बड़ी आपत्ति है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बना संविधान, जिसके आधार पर ये देश चलता है। ये किसी धर्म के आधार पर नहीं बना था देश, ये संविधान के आधार पर चलने वाला देश है। उसको आप संविधान की आत्मा के विरुद्ध ले जा रहे हैं। सबसे बड़ी आपत्ति हमें ये है। सीएए में आपने धर्म विशेष अलग कर दिया। उसके बाद दूसरी आपत्ति है कि आप एनआरसी को भी ला रहे हैं, और सीएए और एनआरसी को आपने स्वयं बोला है जोड़कर देखना होगा। तो एनआरसी के माध्यम से आप जब कागज मांगने जाएंगे पिछली पीढ़ी के, तो इस देश में कितने ऐसे लोग होंगे, दलित परिवार, आदिवासी परिवार, गरीब परिवार, जिनके पास वो कागज होंगे। प्राकृतिक आपदाएं आती हैं कई राज्यों में, हर साल आती है, बाढ़ आ जाती है, सामान खो जाता है, बह जाता है, कागज नष्ट हो जाते हैं, तो वो कहाँ से लाएगा कागज। तो आप इस देश में एक अव्यवस्था फैला रहे हैं, जिसमें लोगों के पास, जिनके पास कागज नहीं होंगे, उनकी नागरिकता पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। फिर वो दर दर भटकेंगे अपने आप को ये साबित करने के लिए वो भारतीय हैं। तो जिन लोगों के वोट लेकर आप यहाँ तक पहुँचे हो, उनकी नागरिकता पर भी आप प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हो, ये कैसी सरकार है। बिल्कुल कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री को देना चाहिए, संसद में देना चाहिए। रामलीला मैदान से बोलने में कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि संसद में खड़े होकर अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी होगा। रामलीला मैदान में तो आप असत्य बोल रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी शायद संसद में तो सत्य बोलेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। लाइफ टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।